विधानसभा की कार्यवाही का आज 11वां दिन है। सदन में आज क्राइम का जो मामला है वो गूंज सकता है। बता दें लगातार कार्यवाही जारी है, बजट सत्र चल रहा है जिसके अंतर्गत आज 11वां दिन है कार्यवाही का। विपक्ष ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। तो आपको बता दें आज सदन में क्राइम का मामला गूंजेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही का आज 11 दिन है जिसमें सदन में आज क्राइम से जुड़े मामले सदन में गूंजेंगे, उन पर चर्चा होगी। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। तो विधानसभा में कई तरह के मुद्दे पहले भी उठे हैं, धान खरीदी को लेकर मुद्दे उठे हैं, लेकिन आज सदन में क्राइम का मामला गूंजेगा। वहीं सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। वहीं दोपहर 3 बजे नारी सम्मान कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। अभिव्यक्ति नारी के सम्मान कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। शाम 7 बजे पंडरी के छत्तीसगढ़ हाट बाजार जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। ग्राम उद्योग बोर्ड प्रदर्शनी के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा की आज बैठक है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। कई अहम विषयों पर बैठक में चर्चा होगी। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आगामी कार्यक्रम और योजना पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होंगे, चर्चा में शामिल होंगे। कई अहम विषयों पर आज की बैठक में चर्चा होनी है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आगामी कार्यक्रम और योजनाओं पर चर्चा होगी इस बैठक में। वहीं खबर रायपुर से ही, जहां 13 और 14 मार्च को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। आपको बता दें प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी इस बैठक में शामिल होंगी। प्रदेश कार्य समिति में संगठन के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी, साथ ही रणनीति बनाई जाएगी आगे की। और कार्य समिति की ये बैठक काफी अहम होगी जो 2 दिन तक चलेगी। 13 और 14 मार्च को ये बैठक की जाएगी। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी इस बैठक में शामिल होंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 5 राज्यों में देश के चुनाव होने वाले हैं। असम चुनाव की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की 55 टीमें मैदान में उतरी हैं। AICC के निर्देशन में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। चुनाव में कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट पर एक्सरसाइज शुरू हो गया है। तो प्रशिक्षण शिविरों के बाद चुनावी समर में बूथ मैनेजमेंट शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें 126 में से 116 सीटों में बूथ प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो चुका है। विधानसभा वार तैनाती रणनीतिकार खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ को असम विधानसभा चुनाव के लिए स्थापित कंट्रोल रूम की कमान भूपेश बघेल और राहुल को देंगे और कंट्रोल रूम की पूरी रिपोर्ट भी इन्हें दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई और विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। आपको बता दें बालोद में उन्होंने किसानों की एक सभा को संबोधित किया। वहीं गुंडरदेही में हुई इस सभा में उन्होंने किसानों की समस्या सुनी और उसका समाधान बताया। वहीं किसानों को कृषि कानून के फायदे भी गिनाए। प्रहलाद मोदी ने कृषि कानून के विरोध पर कहा कि कृषि बिल अभी केवल पारित हुआ है और उसके फायदे जाने बगैर कुछ लोग विरोध पर उतर आए हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों को गुमराह किया जा रहा है। वहीं प्रहलाद मोदी ने धान खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। आज देश में जो अंधाधुंध चल रहा है, कुछ अमिचन पैदा हुए है, उससे अमीचंदों के सामने किसानों को गुमराह कर जो हासिल करने का तय किया है वो बंद होना चाहिए। मेरा किसान समृद्ध होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के किसान क्यों परेशान है इसका तो एक ही बात है, 2500 रुपये में खरीद करने वाली सरकार आज दिखाई नहीं दे रही है। उसने मत लेने के लिए घोषणा की थी कि मैं 2500 रुपया दूंगा।
और आइए अब दुर्ग की ओर रुख करते हैं। 5 लोगों की मौत के मामले में पिता पुत्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। फांसी लगने से दोनों की मौत हुई है। दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर ने पुष्टि की है। कल पिता पुत्र की फांसी पर लटकी लाश मिली थी। वहीं पैरावट में 3 महिलाओं की लाश का भी अंतिम संस्कार किया गया था। शव को उत्तर दक्षिण में रखकर विधिवत अंतिम संस्कार किया गया था। पुलिस को अंतिम संस्कार के प्रमाण भी मिले हैं। वहीं पैरावट में चूड़ी भी मिली है और अस्थियों के अवशेष मेडिकल जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं दुर्ग हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने भी शोक व्यक्त किया है। दोनों घटनाएं अलग अलग है और दोनों को एक साथ नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये है कि खुड़मणा में अभी तक के अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, ये जरूर चिंता का विषय है। लेकिन ये जो घटना बठेना की घटना है वो दूसरे किस्म का है। हालांकि मृत्यु हुई है और मृत्यु चाहे किसी भी प्रकार की हो वो दुखद ही है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यकीन नहीं होता ये छत्तीसगढ़ की खबरें हैं। कांग्रेस सरकार में पुलिस बेबस और अपराधी ताकतवर हो गए हैं, इसलिए हर दिन अखबार के पन्नों में हत्या, लूट, बलात्कार जैसे मामले सामने आते रहते हैं। छत्तीसगढ़ लगातार अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में फिर से 5 लोगों की हत्या हो जाना ये दुर्भाग्यजनक है। पहले 4 लोगों की घटना हुई, उसके अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए और मुझे लगता है कि कोई संगठित गिरोह जो जमीनों के लेन देन को लेकर, जमीनों पे कब्जा करने के मामले को लेकर इस प्रकार की घटनाएं घटित कर रहा है, ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है। हमने पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ में अब माफिया पनप रहा है। रहे आगे बढ़ते हैं, दंतेवाड़ा की बात करेंगे। सर्चिंग के दौरान 5 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं तो बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। 1,00,000 के इनामी कमांडर समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जन मिलिशिया सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। वहीं नक्सलियों से बैनर पोस्टर भी बरामद किए गए हैं। 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। DRG और CRPF की ये संयुक्त कार्रवाई हुई जिसमें 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। वहीं खबर बिलासपुर से है जहां तकतपुर थाने में महिला की मौत हो गई है। आपको बता दें पुलिस ने महिला को पूछताछ के लिए बुलाया था, वहीं अचानक तबीयत बिगड़ने से महिला की थाने में ही मौत हो गई। महिला सरकारी नल पर कब्जे की शिकायत में आरोपी थी और बेटे के साथ थाने पहुंची थी जहां तबीयत बिगड़ने के चलते महिला की मौत हो गई। और अगली बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। पिस्टल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। सचिन ने जहां चौके छक्के लगाए उसी इलाके से गिरफ्तारी हुई है। फिल्मी अंदाज में घेर कर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को गन लेकर घूमते आदमी का इनपुट मिला था। नवा रायपुर के राखी थाना पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गन लेकर घूमते एक आदमी का इनपुट पुलिस को मिला था जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार किया। इधर बिलाईगढ़ की भटगांव थाना पुलिस ने करीब 9 साल पहले हुई डकैती के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दिनेश बांधेकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक घर में करीब 22,00,000 की डकैती को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस इस वारदात में शामिल 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी और लूट का काफी माल भी बरामद कर लिया था, लेकिन मास्टरमाइंड दिनेश बांधेकर की कोई खबर नहीं थी। तो हाल ही में उसने 25 जनवरी को बिलासपुर के सीकरी में ज्वेलर्स की दुकान में फिर से डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भूपेश बघेल सरकार प्रदेश की जनता की भलाई के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन सरकारी कर्मचारी उन्हें पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं।
ताजा मामला सुकन्या विवाह योजना से जुड़ा है, जिसमें विवाहित जोड़ों को सरकार की ओर से उपहार स्वरूप 19,000 रुपए का गृहस्थी का सामान दिया जाता है। वहीं महासमुंद में 65 जोड़े सुकन्या विवाह योजना के तहत शादी के पवित्र बंधन में बंधे। उन्हें बेहद घटिया क्वालिटी का सामान दिया गया। जो अलमारी दी उसमें जरा भी मजबूती नहीं है। कुकर बिना ISI मार्क वाला थमाया गया। वहीं जो टेबल फैन दिया गया उसके 2 महीने भी ठीक से चलने की उम्मीद नहीं है। क्षेत्रीय विधायक विनोद चंद्राकर इसकी शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी कर चुके हैं। अलमारी मिला है, कैसा है वो? एकदम डुप्लीकेट लोकल माल है वो, एकदम तीना है वो। और क्या मिला है? और मिला है बैग, मिला है कुकर, मिला है कुकर वो भी लोकल है। पंखा मिला है एक ठो। कैसा है पंखा? वो तो एकदम लोकल है, 1-2 महीना चलेगा बस। जो सामान दिया है बहुत घटिया क्वालिटी की है। उसकी क्वालिटी वास्तव में घटिया क्वालिटी की है, तो मैंने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से, विभागीय मंत्री जी से भी की है, तो इसमें और कलेक्टर को भी लिखा हूँ मैं। तो निश्चित रूप से इसमें जो घटिया क्वालिटी का जो प्रोडक्ट दिया गया है उसके ऊपर जाँच होना चाहिए, और L1 L2 को जो दिया गया है उसके ऊपर भी जाँच होनी चाहिए। गौरेला पेंड्रा मरवाही में कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में हुई भर्ती सवालों के घेरे में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग में कई फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। वहीं कोरोना के शुरुआती संक्रमण के दिनों में भर्ती हो गई थी। आरोप है कि कई लोगों ने फर्जी मार्कशीट और दस्तावेजों के जरिए नौकरी हासिल की है। सफाई कर्मी, वार्ड बॉय और वार्ड आया के पदों पर भर्ती में हुई फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद अब अधिकारी कार्रवाई की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। जब भी कोई मार्कशीट इस तरीके से होते हैं तो उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है। जहां पे संदिग्ध लगता है तो हम पर्सनली एक अपना अधिकारी भेजकर उन संबंधित विद्यालयों में जांच करा रहे हैं, और यदि कोई ऐसी पाई जा रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और उसको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। संबंधित जो अभ्यर्थी है या तो जो स्टाफ है उसको संबंधित ब्लॉक के BO से उसका एक अभी प्रमाणित करने के लिए उनको आदेश दिया गया है। टाइम लिमिट भी दिया गया है कि 7 दिवस के अंदर अगर उक्त प्रमाण पत्र को अगर प्रमाणित करा के, अगर मार्कशीट को प्रमाणित करा के नहीं लाएंगे तो उनकी सेवा स्वतः समाप्त की जाएगी। तब संबंध में नोटिस दिया। जगदलपुर में CRPF की 82वीं वर्षगांठ को लेकर लालबाग मैदान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां हथियार ड्रिल, हथियारों और विशेष उपकरणों के प्रदर्शन के साथ ही समूह पीटी का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान फरस गांव के शहीद शिवलाल नेताम के परिजनों का भी सम्मान किया। साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा राष्ट्र सेवा के लिए दिए गए बलिदान और कार्यों के संबंध में वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर IG सुंदरराज पी, पुलिस अधीक्षक दीपक झा शामिल हुए। बता दें कि 18 मार्च को CRPF की 42वीं वर्षगांठ है, जिसको लेकर आयोजन किए जा रहे हैं। CRPF के 82वां स्थापना दिवस 18 मार्च को मनाया जाएगा दिल्ली में, हमारे फोर्स हेडक्वार्टर में। उसी के पूर्व इवेंट हर क्षेत्र में, हर राज्य में मनाया जा रहा है। छोटा सा एक कार्यक्रम अपने CRPF को और जनता को आपस में सामंजस्य बैठाने, आपस में एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे को समझने हेतु आज ये ऑर्गेनाइज किया है। रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महिला दिवस के दिन महिलाओं की एंट्री फ्री कर दी गई है। आपको बता दें इसका ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज के आयोजित मैच का पास निःशुल्क मिलेगा। जिला प्रशासन को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। रायपुर के प्रमुख चौराहों से निशुल्क बसों का भी इंतजाम किया जा सकता है, जो कि महिलाओं को स्टेडियम तक लेकर जाएंगे। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 5 मार्च से 21 मार्च तक रोड सेफ्टी क्रिकेट T20 वर्ल्ड सीरीज का आयोजन
किया जा रहा है। इस वर्ल्ड सीरीज में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज कुल 6 देशों की लीजेंड टीम भाग ले रही हैं। इस वर्ल्ड सीरीज में 17 मार्च को पहला और 19 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल और 21 मार्च को फाइनल मैच होगा। तो महिलाओं को स्टेडियम में फ्री एंट्री को लेकर रायपुर के जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने भी महिलाओं की फ्री एंट्री की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह स्पेशल गिफ्ट महिला दिवस पर महिलाओं को दिया है। बोले तो वुमनिया, प्रेरणा तुम्हें बता दूं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो बोले तो वुमनिया में सबसे पहले उस वंडर वुमन की बात करेंगे जिसने समाज की सोच को बदल दिया है। उसके हौसले ने महिलाओं के प्रति बनी धारणा को बदल दिया है। जिन कामों के लिए हमेशा पुरुषों को लायक समझा जाता था वो काम कर दिखाया है। हम आपको एक ऐसी ही महिला की कहानी बताते हैं, शुभांगी, जिन्हें लोग जेसीबी वाली मैया कहते हैं। और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा है प्रेरणा, इसकी वजह है कि वो बड़े बड़े वाहनों को भी खिलौने की तरह नचाती हैं। आपने अब तक जेसीबी और चेन माउंटेन जैसे भारी वाहनों को चलाते हुए सिर्फ पुरुषों को ही देखा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के खैरझिटी गांव की रहने वाली 58 साल की दमयंती इन वाहनों को खिलौने की तरह नचाती है। और यही वजह है कि दमयंती सोनी जेसीबी वाली मैया के नाम से मशहूर है। दमयंती जिस तरह से भारी वाहनों को चलाती है उसे देख लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनके लिए ये सफर इतना आसान नहीं था। एक समय ऐसा था जब उन्हें ड्राइविंग से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन कहते हैं ना कि हालातों के आगे झुककर कभी कभी हमें अपने डर का सामना भी करना पड़ता है, और कुछ ऐसा ही हुआ था दमयंती के साथ। हमन महिला मन का सोचते कि हम बस घर में चार दीवारी पूर्ति रहन, हमन ला खाना बनाना है, बर्तन मांजना है, कपड़ा धोना है, लेकिन अगर समय आते तो महिला ला भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कोई भी महिला हो, समय आते ही जेखर जेखर पास जैसे हुनर है वैसे वाला काम करना चाहिए। और मोर पास हुनर रही से जैसे भी चलाए के, तो मैं आज चलात हूँ और 2 रुपया कमा के ही आता हूँ। दमयंती के पति भी ड्राइवर थे और जब भी वो अपने पति को ड्राइविंग करते देखती तो उन्हें बहुत डर लगता। हालांकि पति के निधन के बाद उन्हें इसी डर पर जीत हासिल करनी पड़ी। दरअसल दमयंती के पति का हार्ट अटैक से निधन हो गया था, जिसके बाद परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। ऐसे में हालातों के आगे झुकने की बजाय वो उन्हीं से लड़ी और आज वो इन बड़े बड़े वाहनों को खिलौने की तरह चला लेती हैं। मुला करीबन 8-10 साल हो गए और हमारे यहाँ सियान हमारे पति के स्वर्गवास हो गए। ओखर बाद मोर पास कोई काम भी नहीं रही से और उम्र भी अब 58 साल हो गए है, तो 58 साल में मोर पास ना कोई नौकरी रही से ना कोई काम रही से, तो मैं हाँ अपन हिम्मत ला बढ़ाए हूँ। एक दिन ट्रैक्टर ला खातू लोड करे हूँ, तानो दूसरा दिन फिर मैं मिट्टी लोड करे हूँ, ऐसे करत करत मैं सीख गयो, तो अब तो मैं दिन भर चला लेता हूँ मशीन। दमयंती ने बीते साल बेंगलुरु में हुए साउथ एशिया कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक्सपो में एक कंपनी के बैकहो लोडर के सबसे एडवांस वर्जन को ऑपरेट किया था, जहां उन्होंने 8 देशों के 32 पुरुषों को पछाड़कर बेस्ट ऑपरेटर का खिताब भी जीता था, जिसके बाद उन्हें जापान में प्रस्तावित ऑटो एक्सपो में प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोरोना के चलते इसका आयोजन नहीं हो सका। हाँ एक्सपो रखबो तो हम मैडम ला इनवाइट करथन और वहाँ इला आप लेके आहू, वहाँ हमन मशीन चलवाबो, लेकिन दुर्भाग्य रीस कि कोरोना हो गए और कोरोना कारण सब कार्यक्रम पूरा रद्द हो गए। मोला राज्य स्तरीय भी मिल गए है और संस्था द्वारा भी मिल गए है, काफ़ी मोला मिले है सम्मान, करीबन 108 सम्मान अभी तक मोला मिल चुके हैं। दमयंती मानती हैं कि अगर उन्हें अपने पति से ड्राइविंग की प्रेरणा नहीं मिलती तो वे इस काम को कभी नहीं कर सकती थी। दमयंती ने अब तक जो भी कमाया वो बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने में चला गया। आज भी वे रोज 10 घंटे काम करती हैं ताकि बिना किसी की मदद के अपनी आजीविका खुद चला सकें। राजनांदगांव से बंसल न्यूज के लिए प्रमोद शेंडे की रिपोर्ट।
आज इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जा रहा है। इसी क्रम में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कवर्धा के बाजार चौक में नारी सम्मान अलंकरण का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सराहनीय कार्य करने वाली महिला और बच्चियों का सम्मान भी किया गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को संबोधित भी किया। वहीं धरमलाल कौशिक और रमन सिंह के अलावा कार्यक्रम में और भी कई नेता मौजूद रहे। जिस प्रकार से सरकार ने कहा कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, आज वहीं छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडे क्षेत्र बस्तर में इस साल शुरू मार्च से ही गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया था। गर्मी बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि मार्च के पहले ही हफ्ते में पारा 38 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि देखा जाता है कि बस्तर में आखिरी मार्च तक लोगों को गर्मी का सितम झेलना पड़ता है। की बड़ी वजह जंगलों की कटाई को माना जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले महीने में 44 से 45 डिग्री तक पारा जा सकता है, जिससे लोगों को और भी ज्यादा गर्मी की मार झेलनी पड़ सकती है। वहीं बस्तर वासियों का कहना है कि हर साल गर्मी बस्तर क्षेत्र में काफी देर से पहुंचती है और मार्च महीने में कपकपी ठंड का एहसास भी होता है, लेकिन इस बार गर्मी ने अभी से परेशान करना शुरू कर दिया है। लोग अभी से धूप से बचने के लिए छाता और जूस का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बस्तर में जंगल खूब है तो जिसके कारण ठंड बहुत रहती है, लेकिन हम दो सालों से लगातार देख रहे हैं कि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। अभी मार्च महीना शुरू ही हुआ है और गर्मी इस प्रकार से पड़ रही है, अभी 30-35 डिग्री से ज़्यादा गर्मी हो गई है। और इसका कारण ये भी है कि जिस प्रकार से वनों की कटाई चल रही है, उससे एक गर्मी पड़ने का भी कारण है, क्योंकि बस्तर हमेशा ही ठंडे क्षेत्रों में माना गया है, लेकिन लगातार वनों की कटाई होने से ये गर्मी पड़ रही है। और जिस प्रकार से अभी मार्च में गर्मी पड़ी है, तो आने वाले समय में बहुत तेज गर्मी पड़ने की उम्मीद है। आने वाले मौसम में गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा और सामान्य टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इस हेतु इस मौसम परिवर्तन के दौरान बहुत से हमारे जीवाणु और बहुत से वायरस सक्रिय होते हैं, जिनके कारण वातावरण में कई बीमारियां फैलती हैं, खास करके मक्खियों से जनित और मच्छरों से जनित रोग भी फैलते हैं। तो हमें अत्यधिक सावधानी रखना आवश्यक है। खास तौर से गर्मी के लिए हमें सीधे सीधे धूप के प्रकोप से या धूप के का सामना करने से बचना चाहिए। और रायपुर में रोड सेफ्टी सीरीज इंग्लैंड लीजन ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। केविन पीटरसन 7 चौके और 1 छक्का लगाया उन्होंने। बांग्लादेश ने इंग्लैंड को 114 रन का लक्ष्य दिया। पीटरसन की 2 साल बाद क्रिकेट में वापसी हुई है। तो शानदार जीत इंग्लैंड लीजेंड ने अपने नाम करी है। बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया है।